ऐसे छाव डिजाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 15 फीट बाई 25 फीट में ये प्लान बना हुआ है, जो कि 275 स्क्वायर फीट में और 40 गज में ये प्लान बना हुआ है। छोटा घर है बट बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस प्लान के वेंटिलेशन डायमेंशन, इस प्लान की कॉस्ट वगैरह क्या है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस प्लान की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 15 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 25 फीट की होगी। आप अपने किसी भी छोटे प्लॉट के लिए इजीली आइडियाज़ ले सकते हैं, इस साइड अपना प्लांट वगैरह लगा पाएंगे। अगर आप भी हमसे नक्शे बनवाने की सोच रहे हैं तो इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको हमारा नंबर स्क्रीन पर शो ही हो रहा होगा। इस साइड ये आपको मेन गेट मिलने वाला है, जो कि हमने टू साइड आयरन का गेट दिया है, जो कि 6 फीट का गेट मिलने वाला है, जो कि काफ़ी आपको गेट मिलेगा। इसी गेट से एंट्र होती काफ़ी आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। इस पार्किंग एरिए की बात करें तो आपकी 6 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 8.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इस साइड आपके बाइक पर इजली पार्क कर पाएंगे। इस साइड अपने सेपरेट टैंक या वाटर टैंक भी आप इजली बना पाएंगे, जिसमें अपना वाटर वगैरह स्टोर कर पाएंगे। अब ठीक इस साइड ये आपको फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए हमने स्टेयर्स दिया। स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 3 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 11.5 फीट की होगी, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर इजली इसमें 2 बेडरूम का पोर्शन बनने वाला है। फर्स्ट फ्लोर को चाहें तो इजली आप रेंट आउट भी दे पाएंगे। रेंट वगैरह पे आप चाहें तो सेकंड फैमिली वगैरह को दे पाएंगे फर्स्ट फ्लोर, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर इजली आपको 2 बेडरूम का पोर्शन मिलने वाला है। टोटल आपको 3 बेडरूम का पोर्शन मिलेगा। इस साइड ये हमारा एंट्रेंस गेट होगा, इसमें हमने 3.25 फीट का गेट दिया। इसी गेट से एंट्र होती काफड़ा आपको ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलेगा। इस एरिए की बात करें तो आपकी 9 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 8 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके सोफे वगैरह इसलिए एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें इसलिए अपने गेस्ट वगैरह को ठीक साइड बिठा पाएंगे। इस साइड अपना सामने में डाइनिंग टेबल वगैरह इसलिए एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें इसलिए अपने गेस्ट वगैरह को बिठा कर डिनर वगैरह कर पाएंगे। सामने में देखो तो हमने टीवी वगैरह का सेटअप किया हुआ है, जिसमें इसलिए अपने टीवी वगैरह देख पाएंगे। सामने में आपको ये गेट मिलेगा, जो कि हमारे किचन का गेट होगा। इसी गेट से एंट्र होती काफी आपको किचन मिलेगा। इस किचन के एरिए की बात करें तो आपकी 8 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके स्लैब चूल्हे और कैबिनेट वगैरह इसलिए एडजस्ट कर पाएंगे, इसलिए अपने सिंक चूल्हे वगैरह जिसमें इसलिए अपने कुकिंग वगैरह इसलिए कर पाएंगे। आप चंद 7-7 फीट तक का टाइल्स लगा पाएंगे। इस साइड से देखो तो इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी दिया है, जिसके द्वारा इसका वेंटिलेशन वगैरह होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसकी स्मेल और स्मोक वगैरह से इसी विंडो के द्वारा एग्जॉस्ट होती रहेगी। आप चाहे तो इजिली एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी लगा पाएंगे। इसी गेट से बैक हो तो आपको इस साइड देखो तो हमने वॉश मशीन वगैरह का भी सेटअप किया हुआ है, जिसमें इसलिए अपने ड्रेसिंग वगैरह कर पाएंगे, इसलिए अपने ड्रेसिंग टेबल वगैरह लगा पाएंगे। ठीक है साइड ये आपको इसी के बराबर में आपको ये टॉयलेट का मेन बाथरूम का गेट मिलेगा, जिसमें हमने 2.5 फीट का गेट लगा। इसी गेट से एंट्र होती का फिर आपको टॉयलेट का मेन बाथरूम मिलेगा। अब इसके एरिए की बात करें तो आपकी 5.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपकी क्यूबिक शावर्स और टॉयलेट शीट वगैरह इसलिए एडजस्ट कर पाएंगे। आप चाहें तो 7-7 फीट तक का टाइल्स लगा पाएंगे, जिसमें आपको सीलेंट पंप से रिलेट कोयल एलिमेंट पंप नहीं आने वाली है। साइड इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी दिया है, जिसके द्वारा इसका वेंटिलेशन वगैरह होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसकी स्मेल स्मोक वगैरह सब इसी विंडो के द्वारा एग्जॉस्ट होती रहेगी। आप चाहे तो इजिली एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी लगा पाएंगे। अब ठीक इसी के बराबर में आपको एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे बेडरूम का गेट होगा। हॉल में हमने कुछ कलर कॉम्बिनेशन और वॉलपेपर वगैरह का भी यूज़ किया हुआ है, जिसमें इसलिए हमने इसी प्रकार कुछ कलर कॉम्बिनेशन वगैरह यूज़ कर पाएंगे। ये आपको 3 फीट का गेट मिलेगा। इसी गेट से एंट्र होती काफड़ा आपको ये बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम की एरिए की बात करें तो आपकी 14 फीट की इसकी लंबाई होगी, जबकि 10 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जिसमें इसलिए अपने डबल बेड्स और सोफे वगैरह का इसलिए सेटअप कर पाएंगे। इसलिए सामने में देखो तो हमने टीवी नेट पैनल वगैरह भी लगाया है, जिसमें इसलिए अपने गेस्ट वगैरह को टीवी वगैरह दिखा पाएंगे। इसमें आपको काफ़ी बड़ा वार्डरोब मिलने वाली है, जो कि एल टाइप आपको वार्डरोब मिलेगी, जो कि काफ़ी बड़ा आपको वार्डरोब मिलेगी, जिसमें इसलिए अपने क्लॉथ्स वगैरह इसलिए स्टोर कर पाएंगे, इसलिए अपने सामान वगैरह, जिसमें इसलिए अपने क्लॉथ वगैरह बराबर में इसमें ड्रेसिंग टेबल वगैरह लगा पाएंगे, जिसमें इसलिए अपने सिंगार वगैरह कर पाएंगे। अब साइड उसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने ये विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, जिसके द्वारा इसका वेंटिलेशन वगैरह होता रहेगा। अब इस प्लान की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो ये प्लान 5 लाख में बनने वाला है, जो कि आप चाहें तो बनवा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।